नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में 8 महीने चलने वाले इलाज के बाद रीवा मऊगंज के बड़े काश्तकार धर्मजय सिंह की 50 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस से मौत हो गई। स्वजनों का दावा है कि उनके इलाज पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार धर्मजय सिंह अप्रैल 2021 में कोरोना से संक्रमित हुए थे। हालातों में सुधार नहीं होने पर उन्हें स्वजनों के द्वारा 18 मई 2021 को एयर एम्बुलेंस से चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां लंदन के डॉक्टरों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी। करीब 254 दिनों तक उनका इलाज जारी रहा और इस दौरान परिवार के सदस्यों ने कर लेकर इलाज कराने का भी प्रयास किया। उनके इलाज पर हर दिन लगभग 3 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, पर इलाज के दौरान गत मंगलवार को देर रात मौत हो गई। सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर छा गई है। माना यह भी जा रहा है कि भोर में उनका पार्थिव शरीर मऊगंज के थाना रकरी गांव लाया जाएगा, जिसके बाद 14 जनवरी को अंतिम संस्कार गृहग्राम रकरी में ही किया जाएगा। हालांकि परिवार के सभी सदस्य जबलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। धर्मजय अपने क्षेत्र के बड़े जमींदार के तौर पर माने जाते रहे, इसी कारण उन्हें इलाज के लिए चेन्नई ले जाया गया। बताया जाता है कि धर्मजय के बीमार होने के बाद भी लगातार क्षेत्र में उनकी तबीयत में सुधार होने की बात परिवार बताता रहा। परिजनों की माने तो धर्मजय सिंह का इलाज देश विदेश के डॉक्टरों की मौजूदगी में हुआ। उनको देखने लंदन के मशहूर डॉक्टर अपोलो अस्पताल आया करते थे, साथ ही अन्य देशों के डॉक्टरों की भी ऑनलाइन सलाह ली जा रही थी। लंदन के डॉक्टरों के कहने पर ही 8 माह तक एक्मो मशीन पर रखा गया था। वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे। धर्मजय की मंगलवार रात को मौत हो गई। वहीं स्वजनों ने दावा किया कि जब वेंटिलेटर भी फेल हो जाता है तब मरीज को एक्मो मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन से मरीज का खून बाहर निकालकर ऑक्सीजन किया जाता है और फिर उसके बाद दोबारा शरीर के अंदर खून भेजा जाता है। यह एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें शरीर की ऑक्सीजन को मेंटेन किया जा सकता है। यह इलाज काफ़ी महंगा है, जिसके लिए करीब 4 से 5 लाख रुपयों की जरूरत पड़ती है। इलाज जारी रखने के लिए प्रतिदिन 2 लाख रुपयों की जरूरत होती है। परिवार के लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत 26 जनवरी 2021 को पीटीएस मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में धर्मजय को सम्मानित किया था। धर्मजय सिंह ने स्ट्रॉबेरी और गुलाब की खेती को विंध्य में विशिष्ट पहचान दिलाई थी। वो कोरोना काल में लोगों की सेवा करते समय स्वयं संक्रमित हुए। वहीं परिजनों का दावा है कि 8 करोड़ रुपये इलाज में खर्च हुए हैं। परिवार वालों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई थी, जिसके बाद 4 लाख रुपयों की आर्थिक मदद मिली थी। के लिए इतना सब वादा कर रहे हैं आपकी सरकार, और किया भी नहीं किया, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप एक किसान के लिए तो करिए। तो उन्होंने कहा नरसिंहपुर से, उन्होंने कहा मैं नरसिंहपुर का नहीं हूँ, मैं रीवा जिले का मोरता निवासी हूँ और मेरा एक निवास जबलपुर में भी है। मैं जबलपुर में हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ मेरा परिवार, मैं रहता हूँ। तो आप जबलपुर भेज सकते थे या रीवा, ये कंप्लेंट? तो बोले कि आप इसको खारिज करा लीजिए। मैंने कहा जब मैंने कंप्लेंट नहीं की तो मैं कैसे खारिज कराऊंगा? मेरी कंप्लेंट नहीं थी, मेरी अपील थी प्रधानमंत्री को कि अपोलो हॉस्पिटल में जीवन मृत्यु से एक प्रतिष्ठित किसान, जिसको माननीय शिवराज सिंह जी ने सम्मानित किया है, वह किसान जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है, तो उसका जीवन बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर से फोन आया और मैं हॉस्पिटल में अपने भाई का इलाज कराऊं कि उनकी कंप्लेंट का उत्तर दूं। मैंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ जो मैंने अपील किया था उसका हमको कॉपी दीजिए, फिर हमसे प्रश्न पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कोई हमको कॉपी नहीं दिया, बोले कि नहीं ऐसी कोई प्रधानमंत्री की नहीं, हमको तो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से आया है, शिकायत में दर्ज है, आप खारिज करा लीजिए इसको। हमने कहा मैं कोई खारिज नहीं कराऊंगा, आपको करना हो तो कर दो। फिर इसके बाद उन्होंने हमको दोबारा फ़ोन नहीं किया। मैंने प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से पता किया तो प्राइम मिनिस्टर को 5 लाख रुपये का पावर है स्वास्थ्य में, लेकिन मुख्यमंत्री को इनहेरेंट पावर है, क्योंकि हम ऐसे अस्पताल में थे जो अस्पताल पूरे एशिया के मरीज वहाँ जाते हैं, कारपोरेट हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल में दुबई का भी पेशेंट है, श्रीलंका का भी है, कई देशों के हैं, अब भारत के कई स्टेट के। तो मैंने वहाँ कार्यालय में पता किया कि क्या ऐसे पेशेंट्स का माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कितना अधिकार है। अस्पताल मैनेजमेंट में कहा कि प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ 5 लाख रुपया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को इनहेरेंट पावर है।
हॉस्पिटल पहुंच गया है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो स्वास्थ्य और शिक्षा की जो है जिम्मेदारी सरकार की होती है और वहाँ हमारी सरकार जो है वहन करती है। इंडिया में आने के बाद वो भी हमारे तरह पीड़ित हुए, उनको भी हमने पूछा कितना हुआ तो उन्होंने, वो यहाँ एक महीने रहे, माने वहाँ तो चार महीने रहे, एक महीने यहाँ, पाँच महीने टोटल रहे, तो बताए कि हमारा 1 करोड़ के लगभग हमारा बिल आ गया आया है। तो फिर इसके बाद वो ठीक हो गए, तो हमें बड़ी पीड़ा हुई। और स्टेट के भी जो थे, उड़ीसा का एक बच्चा था, उसका ट्रांसप्लांट एट लास्ट हुआ और हमारे बाद उसका ट्रांसप्लांट का नंबर था, एक का ब्लड ग्रुप था, तो डॉक्टर ने हमसे कंसल्ट लिया कि आपके भाई का फेफड़ा तो अच्छा है लेकिन इसका नहीं हम कर पाए हैं, तो क्या इसका ट्रांसप्लांट कर दें, आपका नंबर, हमने कहा बिल्कुल कर दीजिए। और लड़का 25 दिन तक ट्रांसप्लांट के बाद जिंदा रहा। वहाँ की सरकार, वहाँ के की पब्लिक ने उसको करीब इकट्ठा करके 2.5 करोड़ रुपया दिया, 2.5 करोड़ के लगभग। फिर वो चूँकि एक्सपायर हो गया, फिर सरकारी मदद मिली उस उसको मिली उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से। लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।